वेलकम टू हमारी रसोई। आज की हमारी रेसिपी है डब्बा गोश्त। इसके लिए हमने आधा किलो गोश्त ले लिया है और बहुत बहुत बारीक पीसेस इसे हमें चॉप करना है। लुक एट द साइज। ये पैन कुकर में हमने 1 टेबलस्पून पाम स्पून ऑयल लिया है। इसमें हम 2 फाइनली ग्राइंड किए हमने, ये बिना पानी के 2 फाइनली ग्राइंडेड अनियंस हैं, ये हम इसमें डालते हैं। इसे अच्छे से थोड़ा प्याज 1-2 मिनट पकाने के बाद हम इनसे डायरेक्टली इसमें गोश्त शामिल कर लेंगे। ये रेसिपी जैसे जैसे मैं बताती रहूँगी वैसे वैसे मैं इसके इंग्रेडिएंट्स भी बताती रहूँगी क्वांटिटी के साथ। ये आधा किलो हमारा फाइनली चॉप मटन है। वन टेबल स्पून धनिया क्रश्ड, धनिया पाउडर है ये। वन टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टू टेस्ट, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिलीज चॉप्ड फाइनली चॉप्ड। हम इसमें ऐड करके इसे पकाने रख देंगे। 1/4 कप पानी डाल के, हम इसे ज़्यादा पानी नहीं डालना है हमें, इसमें एकदम ड्राई मटन चाहिए हमें इसका, इसलिए 1/4 कप पानी डाल के हम अपने गोश्त को पकने रख देंगे। ये हमारा मटन बिल्कुल रेडी है। मैंने एटलीस्ट इसे 5 मिनट्स पकाया होगा, बिल्कुल पक चुका है। फिर इसमें मैंने इसको एक फ्लैट देगची में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसमें ये जो पानी है बिल्कुल ड्राई करना है हम लोगों को। अब हम इसमें 200 ग्राम बीटन कर्ड डालेंगे। फिफ्टी ग्राम काजू पेस्ट है हमारे पास। हाफ कप व्हाइट सॉस, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें इतना पानी है तो हम इसमें ये अनकुक्ड पास्ता, हाफ कप अनकुक्ड पास्ता जो कि मैक्रोनी भी बोलते हैं जिसे, इसे ऐड कर लेंगे और जब तक ये पक नहीं जाता हम इसे स्लो फ्लेम पे गैस पे पकाएंगे। ये हमने अपने डब्बा गोश्त को एकदम स्लो फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे, एटलीस्ट मीडियम फ्लेम पे हमें पकाना है जब तक हमारा पास्ता गल नहीं जाता। एटलीस्ट इसे कंटिन्यू थोड़ा बहुत थोड़े थोड़े फ्लेम में चलाते रहें वरना वो नीचे चिपक जाएगा। हम इसमें थोड़ा अपना ब्लैक पेपर पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। हमारा पास्ता पूरी तरह से गल चुका है और ये हमारी पूरी ग्रेवी भी ड्राई हो गई है। अब हम इसे टमाटर से और हरा धनिया से गार्निश करेंगे। यहाँ हमारे पास 4 बीटन एग्स हैं, 2 टमाटो स्लाइस है और कोरिएंडर चॉप्ड है। ये देखिए हमने अपना टमाटो गार्निश कर दिया है। अब हम इसमें अपने 4 बीटन एग्स पॉर करेंगे। लुक एट दिस, विल गार्निश आवर कोरिएंडर लीव्स। ये देखिए पहले हमने टमेटो स्लाइस रखे हैं, फिर 4 बीटन एग्स हमने डाला है और फिर हरा धनिया चॉप्ड। अब हम इसमें एकदम हॉट घी पॉर करेंगे ताकि हमारा अंडा बिल्कुल पक जाए। हमारा घी हॉट नहीं है अभी, हम इसे और हॉट करेंगे। हमारा घी इतना हॉट होना चाहिए कि हमारा एग बिल्कुल पक जाए। ये देखिए
साइज साइज करके डालेंगे। ये प्रोसीजर हम पूरा कर लेते हैं अपना। ये देखिए हमने अपना पूरा हॉट घी इस पर पॉर कर दिया है और हमारा अंडा लगभग पक चुका है। हम इसे माइक्रोवेव भी कर सकते हैं 2 से 5 मिनट के लिए, लेकिन यहाँ पर हम अभी इसे दम पे छोड़ देंगे एटलीस्ट 5-10 मिनट के लिए, ताकि अंडा पूरा हमारा पक जाए। गोश्त अब बिल्कुल तैयार है एंड इज रेडी टू सर्व। हम इसे ऐसे ही देगची के साथ सर्व करेंगे टेबल पर, ताकि इसकी प्रेजेंटेशन ख़राब ना हो। डू लाइक माई रेसिपीज एंड सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़।